हेलो गाइस, तो यार कैसे हो सभी लोग। तो यार मैं हूँ साइलेंट नाइट और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इनविंसिबल्स नाइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, सबसे पहले तो यार सॉरी गाइस कि यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है अभी मेरे को, ना ही मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ, ना ही मैं दो तीन दिनों से ऑन लाइव स्ट्रीम कर पा रहा हूँ। तो गाइस बहुत बहुत यार मतलब मेरे को भी अच्छा नहीं लगता यार, आप लोग वेट करते हो और मैं ना वीडियो डाल पा रहा हूँ ना लाइव आ पा रहा हूँ। तो गाइस उसके लिए सॉरी गाइस, एंड तहे दिल से सॉरी बोल रहा हूँ यार, बिल्कुल दिल से। सो गाइस मेरे को पता आप लोग मेरे को माफ़ कर दोगे। सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं, उससे पहले गाइस मैं बता देता हूँ अपने बारे में। तो जैसे कि मैं बोला कि यार मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो आप लोग मेरी ट्रॉफीज देख सकते हो इस वाले आईडी में, बहुत ही कम है। मतलब कि यार लीजेंड में था मैं पिछले सीजन एंड अभी 200 ट्रॉफीज डाउन आ चुका हूँ। सो टाइम तो नहीं मिल रहा, बट यार मे बी दो तीन दिन बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, तो फिर लाइव स्ट्रीम भी करना शुरू कर दूंगा एंड इस वाले आईडी को भी लीजेंड जल्दी ही से कर दूंगा। सो अभी चलो मैं आपको क्लैन दिखाता हूँ, क्लैन में माहौल क्या है। तो गाइज अपना क्लैन अभी लेवल 9 का हो गया एंड जल्दी लेवल 10 का हो जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। एंड आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि हमने ट्रॉफीज़ रिक्वायर्ड ट्रॉफीज TH9 4400 प्लस कर दी, मतलब कि टाइटन 2 ही अब आ सकते हैं क्लैन में, टाइटन 2 के ही बंदे क्लैन में आ सकते हैं अभी, ठीक है। एंड अपना क्लैन पॉइंट भी 49K प्लस हो चुका है। अभी क्लैन में 15 लीजेंड्स हैं अपने पास एंड बहुत से बंदे हैं जो 4900 एंड 4800 में भी हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यार सीज़न एंड तक 20 लीजेंड क्लैन में हो जाए, एंड अगर सपोर्ट रहा आप लोग तो बिल्कुल हो जाएगा यार, एंड बंदे अगर पुशिंग करें अच्छे से तो। एंड हम लोग अब टाइटन 2 से नीचे के बंदे नहीं लेने वाले हैं, और ये यहाँ पे बाकी सारे डोनेटर आईडी है, और ये जेसी एंड एसके वाला भी 4096 पे है, बट ये भी एक डोनेटर आईडी है, तो कोई धोखा मत खाना कि यार ये TH9 की आईडी है। एंड सभी को बोल रखा है यार कि टाइटन 2 जल्दी से कर लो सभी, एंड सभी कर रहे हैं, सबको टाइम दे रखा हमने, एंड जो नहीं करेगा तो भाई फिर उसको तो फिर निकलना पड़ेगा। बट मेरे को पूरा विश्वास है अपने क्लैन के बंदों पे कि ये कर ही लेंगे यार। ओके, सो हम लोग अपनी वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं एंड हम लोग बिना देरी के वीडियो को चलो शुरू करते हैं गाइस। सो गाइज ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जो भी अभी TH9 में फिलहाल में पुशिंग कर रहे हैं उनके लिए। सो गाइज आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि यार बिना स्किप किए इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड मेरे को पूरा यकीन है कि आप लोग को बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इस वाली वीडियो से, एंड बहुत लोग इनकरेज भी होंगे। ओके, सो गाइज इस वाली वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि मतलब यार टाइटल एंड थंबनेल देखे तो आप लोग को यूं ही पता चल गया होगा कि हम लोग बात करने वाले लो हीरो टाउन हॉल 9 लीजेंडरी पुशिंग के बारे में। ओके, बट आप लोग को ये नहीं पता होगा कि मैं किस बंदे के बारे में बात करने वाला हूँ, तो मैं बात करने वाला हूँ माई वर्ल्ड के बारे में। तो बहुत लोग बोल रहे होंगे कि यार ये अपनी दुनिया के बारे में क्या बात करने वाला है, बट नहीं गाइज, यहाँ पे हमारे क्लैन में एक बंदा है जिसका नाम है माई वर्ल्ड। तो गाइज इसी के बारे में मैं बताने वाला आप लोगों को, यार ये कितना ही मतलब मेरी स्टेट की लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई कितना गर्दा पुसर है ये, ठीक है। तो इसका पर्सनल बेस्ट देख सकते हो 5128 एंड अभी बंदा फिलहाल 5099 पर है, लास्ट सीजन ही इसने लीजेंड ठोका था। एंड लो हीरो से यार पुशिंग करता है ये बंदा एंड बहुत ही खतरनाक लगता है मेरे को तो, मतलब क्लैन में सभी इसको बोलते हैं यार प्रो प्रो बंदा है ये, एंड लिटरली गाइस बहुत ही सही बोलता है यार क्लैन में इसको सभी, क्योंकि यार 5 एंड 11 के हीरो से पुश करना यार इतना इजी नहीं होता है, ये समझ लो यार टाउन हॉल 8 के बराबर ही है, मतलब थोड़ा सा बस हाई लेवल है टाउन हॉल 8 के हिसाब से, ठीक है। बट यार लिटरली बहुत ही अच्छा पुशर है ये एंड इसकी ट्रॉफीज अभी मतलब अटैक ऑन तो बहुत है सीजन के, बट ट्रॉफीज थोड़े कम इसलिए है क्योंकि ये बीच में पुशिंग स्टॉप कर दिया था, थोड़ा बिजी था बंदा, बट अभी इसने वापस से शुरू करा है एंड आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा पुशिंग कर रहा है ये बंदा। सो गाइज इसका आर्मी में दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो इस ये आर्मी में यूज़ करता है 17 बेबी ड्रैगन्स, 8 लून्स, 4 मिनियंस एंड 2 आर्चर्स। ये इस वाली आर्मी में गोलम इसलिए नहीं ले जाता क्योंकि यार गोलम का कोई फ़ायदा ही नहीं है गाइज, मतलब अगर आपके हीरोज लो हैं तो यार गोलम ले जाके कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो बेटर है आप लोग भी लून ही ले जाओ जैसा कि ये करता है। ओके, एंड सीसी में तो नॉर्मल बेबी ड्रैगन एंड फ्रीजी ले जाता है, तो
तो चलो इसके स्पेल्स देख लेते हम लोग। ये तो नॉर्मल ही स्पेल्स यूज करता है जो हम लोग गोबा ईड लून में करते हैं। टू लाइट, टू रेज, वन ईक्यू। एंड सीसी में तो नॉर्मल यार ड्रैगन एंड फ्रीज। ओके, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड अभी भी ये बंदा बूस्ट पे खेल रहा है, मतलब हीरोज को बूस्ट कर रखा है, क्योंकि यार हीरोज रीजनरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए इसने हीरोज को 5-5 जेम से बूस्ट कर रखा है। सो चलो मैं आप लोग को यार इसके अटैक्स दिखाता हूँ, क्योंकि यार आप लोग को अटैक्स देखकर ही पता चलेगा कि यार ये बंदे पे कितना स्किल्स है, ये बंदे का कितना स्किल्स है, एंड ये बंदा कैसे पुश करता है। वो आपको मैं इसके रिप्लेस अटैक्स रिप्लेस दिखा के बता दूंगा। तो चलो गाइस इसके अटैक रिप्लेस को हम लोग देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इसके रिप्लेस में, फर्स्ट अटैक रिप्लेस में। तो यार यहाँ पे देख सकते हो बाहर तो काफ़ी सारे मतलब बिल्डिंग्स हैं। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे बेबी ड्रैगन से मतलब जितना हो सके उतना परसेंटेज निकाल रहा है। ओके, एंड जैसे कि इसके पास गोलम नहीं है, बस हीरोज हैं, तो यार ऐसा कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि यार आप पहले गोलम छोड़ो, मतलब कि यार हीरोज़ यूज़ कर लो, इलेक्ट्रो ड्रैगन यूज़ कर लो, ऐसा कुछ नहीं। बट ये आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग की मर्जी, आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे यूज़ करते हो अपने आर्मी को एंड कैसे एग्जीक्यूट करते हो अपने अटैक को। सो इस पे इसने क्या करा है कि यार बेबी से जितने बिल्डिंग से साइड में उसको पहले निकाला। ओके, एंड मिनियंस को भी छोड़ दिया अभी इसने, एंड आर्चर्स को भी, आर्चर्स तो अभी इसने यूज़ नहीं करे हैं। तो यहाँ पे पहला ईडी इसने गिरा दिया यहाँ पे, एंड आई होप उधर से ये ड्रैगन को डालेगा, क्योंकि यार ईडी गिराया, एयर डिफेंस को उड़ाया है, तो ईडी भी उधर ही से डालेगा। सो यहाँ पे ईडी को इसने डाल दिया, डिप्लॉय कर दिया, दो लून भी डाल दिए जो कि मोटर को डाउन कर दिया, एंड 38% गाइस निकल चुका है इसका। एंड अभी भी इसके पास 6 बेबी ड्रैगन, 3 लून्स, 2 आर्चर्स एंड हीरोज भी अभी तक बचे हैं, अभी भी इसके हीरोज बचे हुए इसके साथ। एंड ड्रैग ने तो ज़्यादा परसेंटेज नहीं दिया, बिल्डिंग ज़्यादा नहीं गिरा पाया, बट यार बेबी ड्रैगन्स जो साइड के बिल्डिंग थे उसको इसने बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब यार परसेंटेज बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला। एंड अभी इसने अपने हीरोज़ को डाल दिया, ईगल भी एक्टिव हो चुका है, एंड 46 हो गया है, एंड देखते हैं हम लोग कितना कर पाता है ये बंदा। सो बेबी ड्रैगन, बेबी ड्रैगन, ओके ओके ओके, और ये 50% हो गया इसका। बहुत बढ़िया यार, मतलब यार लिट अटैक था गाइस, फायर, खतरनाक। मतलब यार लो हीरो टाउन हॉल पुशिंग इतनी आसान नहीं होती है। सो प्लस 13 मिला इसको यार। एंड चलो हम लोग सेकंड रिप्ले की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे इसने तो यार पहला एयर डिफेंस को डाउन कर दिया है, एंड वहाँ पे 2 बेबी ड्रैगन छोड़े। ओके, एंड वहाँ पे ड्रैगन छोड़ा, मेरे को पता नहीं यार ये लून छोड़ सकता था, बट मे बी ये फनल करने के लिए यहाँ पे बेबी ड्रैगन को छोड़ा होगा। भाई ये तो प्रोपुसर है, हम इसको क्या मतलब बोले यार। एंड यहाँ पे फिर इसने फ्रीज डाल दिया था एक्सपो पे। सो गाइस ऐसा ज़रूरी नहीं कि यार आप फ्रीज को यूज़ करो ईगल पे ही, ज़रूरी नहीं है, बट यार अगर आपको लगे कि यार कोई डिफेंस आपको ज़्यादा टारगेट कर रहा है आपके ड्रैगन को, या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर रहा है, परेशानी कर रहा है, तो यार आप लोग वहाँ पे फ्रीज यूज़ कर सकते हो। तो जैसे वहाँ पे एक्सपो पे इसने फ्रीज किया, तो उसके बाद इसके 5-6% निकल गया आराम से ड्रैगन से। एंड फिर अब वही अपना बेबी ड्रैगन से ये अपना परसेंटेज टेक डाउन करेगा। एंड साइड्स में तो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। ओके, बहुत लोग होते हैं क्या कि यार देखते हैं टाउन हॉल सामने, तो यार टाउन हॉल पे ही डाल देते सब कुछ। एंड बट यार स्किल्स गाइस बहुत है इसके, एंड ये जानता है कि यार इसके पास हीरोज लो लेवल के, तो यार अपने औकात के बाहर है, तो ये अपने हिसाब से अटैक यूज़ करता है। एंड इसको पता है कि यार मतलब कब कहाँ पे क्या यूज़ करना है, अपने हीरोज कितने परसेंटेज निकाल सकते हैं, कितनी उनकी काबिलियत है। एंड गाइस ये लिटरली मतलब हीरोज को अपग्रेड नहीं करता, इसका एम है गाइस कि मतलब 5500 करेगा इन्हीं लेवल के हीरोज से। सो ये बिल्कुल अपने हीरोज को अपग्रेड पे नहीं लगाता, चाहे तो ये T1 में जाके फार्मिंग कर सकता, बट ये नहीं करता। एंड लिटरली गाइस बहुत ही इनकरेज्ड है ये बंदा, मतलब खतरनाक। सो यहाँ पे प्लस 10 मिला इसको। ओके, एंड गाइस
तो यार बहुत ही बढ़िया अटैक था इसका यार। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसका अटैक, माय वर्ल्ड मेरी दुनिया अतानु का अटैक आप लोगों को अच्छा लगा, तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना एक एंड शेयर कर देना इस वाली वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी TH9 में पुश कर रहा है, जो भी बंदा आपके दोस्त या कोई भी हो, आपका भाई दोस्त कोई भी हो जो पुशिंग कर रहा है TH9 में या इंटरेस्टेड है, तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि यार हाँ, अगर कोई बंदा इंकरेज हो और मन से पुशिंग कर रहा हो तो यार हीरोज़ मैटर नहीं करते, बिल्कुल भी मैटर नहीं करते यार। 5100 प्लस कर चुका है ये बंदा इन्हीं लेवल के हीरोज़ से, जो कि बहुत ही मुश्किल है, मतलब कि इतना भी इजी नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं। सो गाइज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे लाऊं उस पे उसकी सजेशन दो मेरे को यार, मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे लाऊं। तो TH9 के कोई भी कंटेंट आप लोग को चाहिए तो यार कमेंट बॉक्स नीचे आएगा इस, तो जाके कमेंट करो एंड अटैक कैसा लगा, ये वाला वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी मतलब मेरे को बताना एंड बाकी तो आप लोग जानते हो। सो गाइस चलो चलते हैं यार, आज की पहली वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप लोग को यही दिखाना चाहता था कि यार अगर आप लोग डिटरमाइंड हो, आप लोग इनकरेज्ड हो एंड नेवर गिव अप गाइस, नेवर गिव अप, सो आप लोग पुश कर सकते हो। हीरोज़ मैटर बिल्कुल नहीं करते, अगर आप लोग दिल से पुश करोगे ना तो बिल्कुल कर लोगे आप लोग भी, एंड आप लोग भी अतानु की तरह हाई लेवल पुशिंग कर सकते हो लो हीरो से। तो बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रॉम इनविंसिबल्स फैमिली।